तो गाइस कई सारे लोगों के हमें कमेंट्स आए थे कि सर ऐसी दवाई के बारे में बताइए जो हमारे टाइम को इंक्रीज कर सके। जब हम सेक्सुअल परफॉर्मेंस करते हैं तो उसमें टाइमिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले हम लो कॉन्फिडेंस रहते हैं। सो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी दवाई के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी ये सारी प्रॉब्लम या हेजिटेशन जो होगा वो दूर कर देता है, जिसका नाम है आपका हॉर्स फायर के नाम से आपको मिल जाता है। AR आयुर्वेदिक फार्मा की तरफ से देखने को मिल जाता है, प्लस ये टैबलेट के फॉर्म में मिल जाता है एंड काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं। ये आपको अमेजोन जैसे साइट पर मिल जाएगा और बाइक लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको बाई कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में डिटेल्स में समझते हैं हॉर्स फायर के बारे में, क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट्स होता है, डोजेस क्या होता है। सारी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। सो गाइस मेरा नाम है अंकुश, वेलकम बैक टू द मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल। हॉर्स फायर आपको जैसे कि मैंने बताया है एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, प्लस ये रजिस्टर पार्ट जाता है, ISO प्रमाणित है, GMP सर्टिफाइड द्वारा मिल जाता है एंड आपको ये अमेजोन पे 5-स्टार रेटिंग के साथ देखने को मिल जाता है। जो काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ है। कई लोगों को कैप्सूल खाने पसंद नहीं होते और अधिकतर दवाइयों के जो होते हैं कैप्सूल ही आते हैं, लेकिन इन लोगों ने निकाला इसका टैबलेट के फॉर्म में एंड एक बेस्ट रिजल्ट भी देखने को मिले हैं यार। काफ़ी अच्छे अच्छे यूज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा पेशेंटों को मैं इसको यूज़ भी करवाता आ रहा हूँ। तो इसमें इंग्रीडियंट्स पर नज़र डालते हैं, तो जैसे मैंने बताया आयुर्वेद के तो सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें मौजूद दिए गए हैं, जैसे कि आपका अश्वगंधा, शतावरी, मूसली, शिलाजीत हो गया आपका, इसके साथ साथ ही कौंच हो गया, गोखरू हो गया आपका, केसर हो गया, जातिफल हो गया, लवंगा हो गया, कर्पूरा हो गया, पिपली हो गया, सुंठी हो गया एंड मकर ध्वज इसमें डाले गए हैं। 17 इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, हर्ब्स हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यूज़ करते हैं या आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। बेनिफिट्स के बारे में बात करें, यूजेस के बारे में बात करें, इम्यूनिटी बूस्टर होता है बेसिकली, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, साथ ही साथ आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को इंक्रीज करने में मदद कर देता है। इसके साथ साथ ये स्टैमिना को बढ़ाने में मदद करता है। जिन पुरुषों को स्टैमिना लो रहता है, जिनको वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है एंड ED की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे तनाव नहीं आना, ढीलापन रहता है, स्तंभन दोष होना, साथ ही साथ जिनको स्वप्न दोष की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी ये मेडिसिन जो होता है हॉर्स फायर जो होता है बेस्ट तरीके से काम करता है एंड परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है। कई लोगों इसकी हेजिटेशन रहती है कि यार क्या अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे कहीं बेइज्जती ना हो जाए या इंसल्ट ना हो जाए, तो उसके लिए भी ये आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ही आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे से काम करेगा एंड लो परफॉर्मेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लो स्पर्म काउंट है किसी को, टाइमिंग का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एनजाइटी है, घबराहट बेचैनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। आजकल की भागदौड़ ज़िंदगी ऐसी हो गई है, अगर आप स्ट्रेस वगैरह टेंशन वगैरह ज़्यादा लेते हो तो उसका असर जो होता है आपकी माइंड में पड़ता है और उसका असर कहीं ना कहीं आपके सेक्सुअल लाइफ में पड़ता ही पड़ता है। तो उस चीज़ को आप दूर करने के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं एंड विदाउट साइड इफेक्ट्स आपको ये बेनिफिट्स देते हैं एंड लॉन्ग लास्टिंग है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए फायदेमंद होता, लंबे समय तक आपको ये बेनिफिट्स देते हैं। एक एक गोली दूध के साथ आपने यूज़ करना है और इसको कम से कम आपने, अब जैसे इसमें 60 टैबलेट्स आपको मिल जाती है तो 30 दिन का ये डोज होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने तक तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद देगा आपके माइंड वेलनेस से लेकर दिमागी तरीके से, जैसे शांत करेगा, क्योंकि अगर आपका माइंड बिल्कुल शांत होगा तो हर चीज़ आपके लिए परफेक्ट हो जाएगी एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो आज का वीडियो फिलहाल ये था दोस्तों हॉर्स फायर टैबलेट्स के बारे में। उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय करना चाहोगे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है एंड कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप उन्हें जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद एंड जय भारत।